आप बाबा साहब की बात करेंगे मंचों पे, घंटों घंटों भाषण देंगे, लेकिन जो समाज के बच्चे जब अपने वो भविष्य के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं है। आपको जब समाज की याद होती है, नेतृत्व करने की बात आती है, आप सड़कों पर उतर जाते हैं, नेता बन जाते हैं। लेकिन इसी समाज के बच्चे आज बाबा साहब की आइडियोलॉजी को यूनिवर्सिटी में फैला रहे हैं, उनके समर्थन में आप क्यों नहीं आए? सभी साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। और आप सब इतने कम समय में यहाँ पर पहुँचे साथी, अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन को समर्थन देने के लिए। मैं बता दूँ, मेरा नाम सरदार बलविंदर सिंह है और भारतीय युवा महासभा हम लोग चलाते हैं, और दिल्ली के तकरीबन 17 से 18 संगठन हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं अभी करंट में। तो आज मैं कुछ सवाल लेके आपके माध्यम से अपने समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास आया हूँ। बहुत समय के बाद अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर चुनाव लड़ रहा है। पहला ऑर्गेनाइजेशन है जो बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर आपके बीच में आया और वो कह रहा है कि हमारा सहयोग करें। आज जो नींव ये तैयार कर रहे हैं उसका फायदा मुझे लगता है आने वाले समय में आप ही के बच्चे लेंगे, क्योंकि जब वो पढ़ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे, ऐसा तो है नहीं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन जब वो दिल्ली में पढ़ने आएंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने आएंगे, तो आज ये जैसा माहौल आपको देके जाएंगे उस माहौल में आपको आपके बच्चे आगे भविष्य के निर्माण करेंगे। आज ये लड़ाई कर लड़ रहे हैं कैंपस को फिर से खुशहाल बनाने की, अम्बेडकराइट मूवमेंट को बढ़ाने की। और याद रखिएगा, सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ उन स्टूडेंट से जो अभी यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। आज आप लोग बात करते हैं एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटीज़ की, जब बात आती है आप एसएफआई में चले जाते हैं, आप एनएसयूआई में चले जाते हैं, आप आईसा में चले जाएंगे, लेकिन अपने घर में नहीं आएंगे। ये बात समझनी होगी आप। अपने घर में आप राजा बन के रहते हैं, लेकिन दूसरे के घर में मेहमान बन के रहते हैं। आप दूसरे के घर में 4 दिन रह सकते हैं, 5वें दिन उसे आप घर छोड़ना पड़ेगा। आपका मान सम्मान होगा तो अपने ही घर में होगा। और जब आप अंबेडकराइट मिशन से निकले हुए बच्चे हैं तो दूसरे संगठनों में क्यों, ये सवाल आपसे बनता है। जब आप लोग लड़ सकते हैं अपने हक अधिकारों के लिए, सड़कों पे आ सकते हैं, तो क्या अपने बाबा साहब की आवाज़ को उठाने के लिए अपने संगठन के साथ नहीं जुड़ सकते? सवाल ये नहीं है कि चुनावों का परिणाम क्या आएगा, क्योंकि चुनावों के परिणाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि उस अंबेडकरवाद को बढ़ाने के लिए कौन संघर्ष कर रहा है और कौन उसके साथ लड़ाई किस बात की है। आज आप लोग ज़्यादातर हमारे जो बच्चे हैं, बाबा साहब के दिए हुए आरक्षण की वजह से हमारे बच्चे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में पहुँचे हैं। अगर बाबा साहब वो आरक्षण नहीं देते तो शायद आप जितने बच्चे हैं शायद आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होते, रिजर्वेशन के तहत ज़्यादातर बच्चे पहुँचे। लेकिन जब हक और अधिकार के लिए लड़ने की बात आई तो आप अलग अलग घरों में बैठे हुए हैं। समय आ गया है कि आपका अपना फेडरेशन शुरू हो चुका है, आपका अपना अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन तैयार हो चुका है, तो आप लोग अब अपने घर में आ जाओ। बहुत समय हो गया दूसरों के घर में रहने और आपका कुछ हुआ नहीं। हमने देखा एजुकेशन महंगी कर दी गई, आप चुप रहे। हमारे समाज के बच्चों में इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं कि महंगी महंगी एजुकेशन ले सकें, और ऐसे समय में आपके हक हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन लड़ रहा है और आप उनके साथ नहीं आ रही। देखिए, आपको आना होगा साथ में। मैं कुछ अपने जो बुद्धिजीवी लोग हैं, खासकर दिल्ली के जो पूंजीपति, मैं कहता हूँ हमेशा पूंजीपति वाली बात कहता हूँ उन्हें, उन लोगों से सवाल है मेरा। आपको जब समाज की याद होती है, नेतृत्व करने की बात आती है, आप सड़कों पर उतर जाते हैं, नेता बन जाते हैं, लेकिन इसी समाज के बच्चे आज बाबा साहब की आइडियोलॉजी को यूनिवर्सिटी में फैला रहे हैं, उनके समर्थन में आप क्यों नहीं आए? कल को आपके बच्चे इसी यूनिवर्सिटी में आएंगे, वो जैसे ही माहौल देखे जाएंगे वैसे ही माहौल को वो पाएंगे। तो समय है अपने भविष्य का निर्माण करने का। तो हमारे जो एसोसिएशन संगठन है, जो नए नए बच्चे हमारे तैयार हो रहे हैं आंदोलन, इनको तन मन और धन तीनों चीज़ों से सहयोग करना चाहिए। ये बच्चे गरीब परिवारों से निकल के यहाँ यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं, उसके बावजूद मिशन को बढ़ा रहे हैं। और आप अगर सक्षम हैं पे बैक सोसाइटी के तहत, तो आप लोगों को इन बच्चों की मदद करनी चाहिए। अगर बच्चों को पैम्फलेट की भी आवश्यकता है तो पैम्फलेट पहुँचाए जाए आपके माध्यम से। अगर बच्चों को किसी चीज़ की आवश्यकता है तो आपको पहुँचानी चाहिए, क्योंकि पे बैक सोसाइटी, आप बाबा साहब की बात करेंगे मंचों पर, घंटों घंटों भाषण देंगे, लेकिन जो समाज के बच्चे जब अपने वो भविष्य के निर्माण के लिए लड़ रहे हैं तो आप उनके साथ नहीं हैं। ये फैसला हमें खुद करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा
आपके दिल्ली में जितने भी बच्चे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि कम से कम यहाँ पे तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा दिल्ली के अंदर ही SC ST एसोसिएशन है जो रजिस्टर्ड और नॉन रजिस्टर्ड है दिल्ली NCR में, और आप सबके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU के अंदर पढ़ रहे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो आपके जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो आप उन्हें दूसरे के घरों में क्यों भेज रहे हैं? कहिए अपने परिवार में जुड़ें, इन्हें वोट करें और इस बार अपने बच्चों को जिताएं। ये आपके भविष्य की लड़ाई चल रही है और भविष्य की लड़ाई के लिए अब आप न्योते नहीं दिए जाएंगे, आपको खुद आगे आना पड़ेगा। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नीला सलाम। आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों, वाकई में ये बहुत खुशी का दिन है, आज हम 2024 में यहाँ पर खड़े हुए हैं और लगभग मुझे आज अपने यूनिवर्सिटी के दिन याद आ गए। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ और सन 2005 की अगर हम बात करें तो हमारा भी एक फेडरेशन उस दौरान तैयार हुआ था, ASO उसका नाम था, अम्बेडकर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, और उस दौरान हमारे भी कैंडिडेट लॉन्च हुए और आज वाकई में ये जो यहाँ पे कैंडिडेट दिखाई दे रहे हैं इन सबको देखकर वाकई में बड़ा खुश हूँ। और जैसे कि वो संगठन किसी कारण से नहीं चल पाया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो आज ये जो बच्चे आए हुए, स्टूडेंट जो आए हुए, मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे अपना उज्ज्वल भविष्य बनाए और आगे तक ये संगठन इनका चलता रहे। मैं भारतीय युवा महासभा संगठन से हूँ और मेरा इन बच्चों को फुल सपोर्ट है, हमारे पूरे महासभा की तरफ से पूरा सपोर्ट है। और वाकई में मुझे आज अपना 20-22 साल वाला उम्र याद आ गया कि जब हम कभी यहाँ कैंपस में जब आया करते थे, और हमारा आज तो माहौल बहुत बदल गया है, आज वाकई में माहौल बहुत बदल गया है। उस समय ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही ये नीले झंडे हुआ करते, ना ही लोग हुआ करते, लोग निकला भी नहीं करते थे नाम से, लेकिन आज इतना सब कुछ देखने के बाद मुझे वाकई में लग रहा है कि हाँ, उस समय जो हुआ वो बहुत यूनिक था, बहुत अच्छा था। अगर वो कारवा आगे चलता तो आज उसका रिजल्ट कुछ और ही होता, लेकिन आज भी हम ये इनको आशीर्वाद दे रहे हैं बच्चों को कि आज ये जो शुरुआत की इन्होंने, ASA ने जो शुरुआत की है, ये बहुत यूनिक है, बहुत ही शानदार पहल है। और मैं जितने भी इस वीडियो को जो लोग देखेंगे आगे चल के, तो मैं उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि ये जो देश है हमारा, ये देश जो है हमारा सभी धर्मों से बना है, सभी कास्ट से मिलकर बना है, और अकेले अकेले अगर मैं बात करूँ, एक वर्ग जो है अकेला जो शासक नहीं बन सकता। मैं सिर्फ इतना बात कर रहा हूँ कि जो भी लोग अम्बेडकर विचारधारा में, चाहे वो जनरल कास्ट के हों, चाहे वो OBC समाज के हों, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हैं, चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, किसी भी कम्युनिटी से वो हैं, जो अम्बेडकर विचारधारा पे जो बात करते हैं या उनको मानते हैं या फॉलो करते हैं, तो मेरा उन सभी धर्मों से, उन सभी कास्ट से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप अगर इस देश में अगर संविधान को जिंदा रखना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को जिंदा रखना चाहते हैं, डॉक्टर आप संविधान में उनकी बातों को, विचारों को अगर जिंदा रखना चाहते हैं, तो आप इस संगठन का साथ दीजिएगा। ये बहुत ही यूनिक बच्चे हैं, बहुत ही प्यारे बच्चे हैं, आपके आशीर्वाद से, आपके सपोर्ट से ये बच्चे आने वाले समय में कल को एक अच्छा देश का निर्माण करेंगे। मैं इतनी ही वाणी को अपनी विराम देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।